और कथा में कुछ दो। बोले भैया ले क्या और दे क्या। बोले जितने सारी गलती थी जिनको नहीं छोड़ देते थे भैया और हमारी मेरे झोली में रहते हैं सारी गलती चीजों को। बोले यहाँ से ले करके क्या जाओ। बोले ठाकुर जी की भक्ति, ठाकुर जी की प्रेम, यही चीज यहाँ से लेकर के जाना, ठीक है ना। इसलिए बोले भैया गंधी चीज क्या है। पिछले भागवत में श्री परीक्षित महाराज कलि को चार जगह पर स्थान दिया है। इसका मतलब है भगवान की भक्ति करना तो चार चीज को छोड़ो। बोले चार चीज को क्या छोड़े। कलि का काम स्थान है, पहला नंबर है जुआ। इसलिए जीवन में कभी जुआ नहीं खेलनी चाहिए, ठीक है ना। क्या नहीं खेलनी चाहिए। इसलिए युधिष्ठिर महाराज ये धर्म राजा है तो देखो मैं धर्म का स्वरूप हूँ, अब ये जुआ खेल करके मेरे कितने सत्यानाश हो गए। पहले तो राज्यों को दाव पर लगा दी, वो भी गए। मेरे भाइयों को दाव पर लगाए, भाई भी गए। लास्ट में द्रौपदी को भी दाव पर लगा दी और भरी सभा में द्रौपदी के वस्त्र हरण देखना पड़ा। 12 साल तक वनवास रहे और 1 साल तक विराट राज्य में नौकरी करना पड़ा। अब माँ बाप देखे होंगे ना, शिक्षा देते हैं अगर कोई जुआ खेले ना इतने दुर्गति हो सकती है। इसलिए कभी भी जीवन में जुए में हाथ मत लगाए करो। कोई सोचेगा नहीं राता रात बड़े आदमी हो जाता, जुआ खेल कर कभी अभी बड़े कोई हुए ही नहीं। आज जीतेगा तो सारी यार दोस्तों साथ में शराब पी कर गलती काम से उड़ा देगी, वो पैसा कभी टिकती नहीं है। इसलिए दूसरा धर्म का पहला चरण सत्य खत्म हो जाता है। दूसरा है पानम। पानम का मतलब होता है किसी तरह का नशीली वस्तु बदलो, जैसे पान, बीड़ी, सिगरेट, अफीम, गांजा, धान, गुटखा, शराब, ये सब चीज को नहीं, कि बच्चे को गोद में रखो। इसलिए ये सब चीज को नहीं लेनी चाहिए। इसलिए संत लोग कहते हैं भैया शराब कभी नहीं पीनी चाहिए। क्या नहीं पीनी चाहिए। बोले जो शराब पीते हैं ना उनका 3 लाभ है। कितना लाभ है, क्या क्या सुन लो। पहला लाभ है जो शराब पिएगा वो कभी बूढ़ा नहीं बनेगा। बोले बूढ़ा कब होगा, जिंदा रहे तभी तो बूढ़ा होगा ना, लेकिन वो पी पी कर तो आधा उम्र में खत्म हो जाएगी तो बूढ़ा कहाँ से होगी। कुछ दिन पहले एक माता जी मेरे पास में माला लेने के लिए आए, छोटे छोटे 2 बच्चे हैं। मैंने कहा बच्चों का पिताजी कहाँ है। बोले मर गया। बोले कैसे इतना कम उम्र में। बोले वो पीते थे मानते नहीं थे, लास्ट में पता चला दोनों लीवर ही फेल। बचने का कोई सवाल ही नहीं। इसलिए कभी भी भैया शराब से मन हटा देनी चाहिए, ठीक है ना। आप लोग अपना बच्चों को, अपना परिवार भाइयों को शराब पीने मत दिया करो। इसलिए दूसरा लाभ क्या है। बोले घर में चोरी नहीं होगी। बोले चोरी कब होगा, घर में कुछ हो तब तो चोरी होगी, वो तो सब गहना पहना बेच बांच कर पी बांध कर खत्म कर देगा, चोरी कहाँ से होगी। बोले तीसरा लाभ क्या। बोले खुद से दोस्त बन गए, मतलब कहीं पी पा कर पड़ा रहेगा बस मुँह खुद से आकर के मुँह में पेशाब कर जाएगा। इसलिए ये सब चीज से हमें दूर रहनी चाहिए, ठीक है ना। हाँ ये सब चीज से दूर रहो। इसलिए और जो तीसरी चीज है कहते जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए। देखो चाय भी नहीं पीनी चाहिए। क्या नहीं पीनी चाहिए। आप बोलो भैया चाय में क्या दोष। बोले चाय की पत्ते में दोष नहीं है, उसमें एक निकोटिन डालते। आप देखना जो व्यक्ति शराब पीते हैं, शराब पीने का समय आ जाए अगर शराब नहीं पी क्या होगा, बेचैनी सी आने लग जाती है ना। और जो व्यक्ति चाय पीते हो, चाय पीने का समय आ जाए नहीं पियो, आप लोग बताओ क्या होता है। आप लोग बोलो क्या होता है। सर दर्द होता है ना, क्योंकि उसमें निकोटिन कैफीन डाला हुआ है। आप रामदेव बाबा का योगा देख लेना, कितने ये चाय के लिए कितने मना करता है। जो व्यक्ति खाली पेट में चाय पीते हैं उनको ग्यास्ट्रिक का बीमारी होता है। खाली पेट में क्या पीनी चाहिए हमें, छाछ पियो, दूध पियो, पानी पियो। खाली पेट में जहर नहीं पीनी चाहिए। पहले ये अंग्रेजियों ने हमें अपना गुलाम बनाने के लिए, जो बड़े बूढ़ों को पूछ लो
दूध चाय बना बना करके पिलाते थे और बोलते थे जो पिएगा ना उसको एक कप चाय पिएगा एक रुपया मिलेगा। हम लोग यही जानते हो बिना पैसा में अगर जहर भी कोई देख हम पीलेंगे, बोले एक रुपया और एक कप चाय लो। जब नशा धीरे धीरे बढ़ने लग गया बोले 50 पैसा मिलेगा, बोले दो, बोले 25 पैसा मिले दो। बाद में मना कर दिया बोले और नहीं मिलेगा, चाय पी तो करके नशा चढ़ गया ना, बोले एक रुपया दो। कुछ दिन बाद में बोले 2 रुपया दो, कुछ दिन बाद में 3 रुपया दो, बोले 5 रुपया दो। अभी कितना पैसा हो गया? 10 रुपया है। ये हमें ठग करके अपना बिजनेस चलाने के लिए ये अंग्रेजियों का टेक्निक था और हम इसमें फंस गए। इसलिए भैया अंग्रेजियों को बिजनेस नहीं बनानी। आप 3 में अगर 5 कप 4 पीते हो 50 रुपया, घर में अगर आप खाना बनाओगे ना रोटी दाल आपको 50 रुपया में घर में रोटी दाल बन जाएगी, बन जाएगी कि नहीं? पियो ना छाछ, पियो दूध, पियो ना। ये चाय क्यों पियोगे? जान बुझ करके शरीर को क्यों खराब करोगे? इसलिए कोशिश करना इससे एक हर्बल टी, गोकुल टी, प्रज्ञा, ये सब जड़ी बूटी इसको पियो, हेल्थ के लिए अच्छा। रामदेव बाबा का योगा देख लेना वो कितना इसके लिए कितना प्रतिवाद करता है, हैं? इसलिए गलती चीज नहीं मिल जाएगी। तीसरी जो चीज है बोले जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए। जीव हिंसा में जैसे मांस है, मछली है, अंडा है, मुझे लगता है यहाँ पे कोई खाते नहीं, नहीं खाते ना अभी, बहुत अच्छे ताली बजाओ तुम लोगों के लिए, ये सब गलती चीज नहीं खाते हो। लेकिन आप लोग एक चीज ही खाते हो, प्याज खाते हो, ये प्याज भी नहीं लेनी चाहिए। देखो अभी जैसे नवरात्रि आई थी ना, सब माताएं नवरात्रि करते होंगे, 9 दिन तक प्याज कोई खाते थे? कोई 9 दिन तक आप बताओ कोई प्याज खाते थे 9 दिन तक? क्यों नहीं खाते थे? क्योंकि माता जी को पसंद नहीं, तब तो नहीं खाया करते थे। जो हनुमान जी के व्रत रखते हैं वो प्याज लहसुन खाते हैं, जो भगवान कन्हा को भोग लगता है, राम को, कृष्ण को, देवी को भोग लगती है, नहीं लगती है। क्योंकि इसका जो सृष्टि है ना ये तामस की वस्तु से सृष्टि हुई है। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, जैसे अन्न खाओगे मन भी वैसे बनेगा। इसलिए कृष्ण गीता में कहते आहार शुद्धे सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धे ध्रुवा स्मृति। अगर आहार शुद्ध करोगे मन अपने आप परिवर्तन हो जाएगा, प्रभु की भजन में लगेगा। इसकी कथा सुन लो, क्यों प्याज लहसुन नहीं खाने चाहिए ध्यान देकर सुनो, दूसरों को भी सुनाना। पहले पहले ऋषि लोग आश्रम में गैया पालते थे, वो माताएं हैं, अगर कोई गैया बूढ़ी हो जाते थे उनको मरने नहीं देते थे, यज्ञ करते थे और यज्ञ में गैया को बलिदान देते थे। लेकिन इनके पास में इतने मंत्र शक्ति होती थी, जब 2 बारा मंत्र पढ़ते थे गैया जवानी बन जाती थी। कोई गैया बूढ़ी हो गया यज्ञ के अनुष्ठान की, वहां गैया को बलिदान देकर शब्दाह में मांस दे दिया, आहुति डालना। हर तरह के व्यक्ति होते हैं, किसने देख करके खाने की इच्छा हो गई उसने उसको रात में छुपा दिया, जब छुपा दी ऋषि ने मंत्र पढ़ी, गैया एकदम जवानी बन करके प्रकट हुई। लेकिन जिस अंग का मांस उसने छुपा दिया था वो भरा नहीं था, वहां घाव बना हुआ। ऋषि ने ध्यान लगाया, ऐसे कैसे हो गया? ध्यान लगा करके देखा किसने, वो मांस खाने के लिए उसने छुपाया, अभिशाप दे दिया। पर जहां पर ये 2 मांस को छुपाया, जैसे मांस लाल लाल रंग के, वहां पर प्याज की पौधा भी लाल लाल रंग के बनेगा। जहां पर हड्डी गाड़ दिया वहां पर लहसुन की पौधा बनेगी, और जहां पर खून की बूंदू गिरा है वहां पर मसूर का दाल और लहसुन का पौधा बनेगी। इसलिए आप देखना मांस सड़ जाने पर जैसे बदबू आती है, आप कच्चा मांस खाना देखना मुंह से वैसे ही फिर बदबू आती है मुंह से, हैं? यहाँ प्याज का तो पता चलेगा कहीं प्याज हट रही है कहीं, आंखों से आंसू भी आ जाती है। इसलिए हमारे मुसलमान भाइयों ने देखा कि हिंदू धर्म को हम कैसे नष्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो हिंदू लोग कभी गो मांस नहीं खाते हैं, बोले किसी तरह से अगर इनको गो मांस को खिला दे इनके धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। बोले डायरेक्ट तो गो मांस खाएंगे नहीं,
ये प्याज उन्होंने खिलाना सोचती है। टिब्बो मांस इसलिए बना हुआ है, इसलिए तो ठाकुर को भोग नहीं लगता है, इसलिए तो हनुमान जी को भोग नहीं लगता, राम को भोग नहीं लगता, इसलिए तो 9 दिन तक माता जी के व्रत में कोई लेते नहीं। आप लोगों को देख लेना, आपके घर में 1-2 पीढ़ी पहले देख लेना, आपके घर में भी ये प्याज रहना नहीं आता, क्योंकि हर घर में ठाकुर जी को भोग लगता था। ठाकुर जी को भोग लगाते क्या, हर घर में खाते थे, हर घर घर में हिंदुओं की ठाकुर का सेवा पूजा हुआ करती थी। इसलिए हमारी धर्म को नष्ट करने के लिए इन लोगों ने ये षडयंत्र को रचना किया है। इसलिए अगर हम चाहते हैं अपना धर्म को रक्षा करना चाहते हैं, ये सब चीज से दूर रहा करो, ठीक है। और घर में जो कुछ भोजन बनता है, कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन, बोले भुंजते तु अघम पापा जे पचन्ति आत्मदग्ना, बोले जो व्यक्ति अपना लिए भोजन बनाते हैं, मेरे को भोग नहीं लगाते हैं, उनको पाप भोजन करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति मेरे को भोग लगा कर खाते हैं, कृष्ण कहते हैं बोले प्रसाद सर्व दुख नाम निरस हो जाएगी। जो ठाकुर जी को भोग लगा कर खाएगा तो उसकी घर में कोई भूखा नहीं आएगा, ठाकुर भूख लेगा। आप सुदामा जी का नाम सुने, कौन कौन सुदामा का नाम जानते हो? सब जानते हो। आप लोग टीवी में देखे होंगे ये सुदामा पहले गरीबी क्यों बना, फिर धनी क्यों बना। आप देखे होंगे जब गुरु गृह में सुदामा कृष्ण जा रहे थे, कृष्ण मैया ने सुदामा जी को चाना किया था, देखे कि नहीं टीवी में, बोले कृष्ण को देख करके खाओ, लेकिन सुदामा ने क्या किया, पेड़ के ऊपर चढ़ करके छुप छुप कर खाए। भगवान बोले मेरे हिस्सा तुमने खाए, तेरे को गरीब भोगना पड़ेगा। इतने गरीबी बने, इतने गरीबी बने, घर में खाने के लिए कुछ नहीं। फिर धनी का बने, जब पता चला कि पत्नी को इनकी बचपन का दोस्त द्वारका दी, फिर ठाकुर का दर्शन करने के लिए जाओ, ठाकुर का दर्शन से सब दुख दूर हो जाता है दरिद्र का। बोले खाली हाथ में नहीं जाने चाहिए, उनने 2 मुट्ठी चिड़वा लेकर गई। आप देखे होंगे टीवी में, ठाकुर जी 1 मुट्ठी खाए, ठाकुर जी 2 मुट्ठी खाए, जब 3री मुट्ठी खाने जा रहे थे उन्हें हाथ खोल गई, बोले नहीं, आपने 2 मुट्ठी खा लिया मतलब इनके घर में सारे राज ऐश्वर्य पहुंच गया, अगर 3री मुट्ठी खाओगे तो मैं लक्ष्मी दासी बन जाऊंगी। जब सुदामा घर में आए, सोने की राज महल, पत्नी राज रानी बन करके बैठ हुई, पहचान नहीं पा रहे, बोली क्या है। ठाकुर जी 2 मुट्ठी चिड़वा खाए ना, त्रिभुवन का राज्य दे दिया। इसलिए घर में अगर ठाकुर जी को भोग लगा कर खाओगे तो घर में लक्ष्मी की भी कृपा होगी। आप बताओ लक्ष्मी किसको नहीं चाहिए, बोलो लक्ष्मी दुनिया को चाहिए लक्ष्मी। इसलिए अगर चाहते हो लक्ष्मी घर में आए, ठाकुर जी को जरूर भोग लगाओ। लेकिन कोई कोई कहता हम तो भोग लगा नहीं, बोले कैसे, बोले ठाकुर को बड़ा केला चिखना ना, नहीं तो थोड़ी सी बात था, नहीं तो 1 गिलास दूध दे देते हैं। और उसकी क्या खुद क्या कहते हैं, राजमा चावल, पनीर चावल है, बड़े सुंदर शाही पनीर, बढ़िया सुंदर सुंदर खुद खाना खाते हैं, और ठाकुर को क्या दे देते हैं, पाता सा 1 गिलास दूध। नहीं भैया, ऐसे नहीं होनी चाहिए। घर में ऐसे कोई चीज नहीं बने जो ठाकुर जी को भोग नहीं लगता है। घर का मालिक ठाकुर जी, घर का मालिक कौन है आप बताओ, घर का मालिक अपना ठाकुर है। इसलिए गुरु जी उदाहरण देते थे, जैसे आपका घर में कोई नौकर है, वो बढ़िया बढ़िया बना बना करके भोजन करता है, लेकिन जो मालिक को जैसे तैसे बना करके मालिक को सामने रख लेता है। अगर ये मालिक को पता चला गया ये नौकर क्या करता है, मेरे को तो तैसे तैसे दे देता है, लेकिन खूब बढ़िया बढ़िया भोजन बना बना कर खाता है। अगर ये बात मालिक को पता चलेगा, आप बताओ मालिक क्या करेगा, आप बोलो मालिक क्या करेगा, निकाल देगा कि नहीं। घर का मालिक हम ना, घर का मालिक ठाकुर जी है। और बोलो घर का मालिक कौन है, ठाकुर जी है ना। अगर हम बढ़िया बढ़िया खा रहे हैं, ठाकुर को जैसे तैसे खिलाते हैं, ठाकुर क्या करेंगे, घर से निकाल देंगे धक्का मार करके। इसलिए भैया घर में प्याज लहसुन घर में नहीं आनी चाहिए, ये सब चीज को हमें वर्जित करनी चाहिए है। इसलिए और जो चौथा जो चीज है, कहते स्त्रियों, कहते स्त्रियों को ऊपर में कली का निवास है, बोले कौन सा स्त्रियों को ऊपर थी,
बोले जो आप वैध रूप में पुरुष और स्त्री से मिलता है और स्त्री पुरुष से मिलता है, संसार करो तो संसार करो लेकिन शादी सुधा करके अपना पति पत्नी सहधर्मी को साथ में ही घर गृहस्थी कर जाओ। अगर शादी के जो अवैध रूप में पुरुष स्त्री और स्त्री पुरुष को साथ में संबंध है, शास्त्र उसका बड़ा विरोध करता है। मरने का बाद कहते हैं नरक में उसको एकदम चलते हुए स्त्रियों को जोर जबरदस्ती आलिंगन कराते हैं, इतने पाप है। इसलिए अगर ये चार चीज को हमें त्याग दे देनी चाहिए है, और जीवन में चार चीज को ग्रहण करनी चाहिए। पहला नंबर है भगवान का नाम ग्रहण करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए, एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोले हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे हरे। क्योंकि भागवत का जो सार है ना, ये भगवान का नाम ही भागवत का सार। जब सुखदेव गोस्वामी भागवत प्रारंभ करते हैं तो ठाकुर जी को नाम से ही प्रारंभ किया, लेकिन भागवत को जो विश्राम देते हैं वो ठाकुर का नाम से विश्राम देते हैं। मतलब है पूरी भागवत का सार ठाकुर जी का नाम है, भगवान का नाम ही जीवन का सार है। आप देखना भारत में भले ही हम जो कुछ करें जिंदगी भर, लेकिन जब शरीर छूटता है, जब कंधे पर चार व्यक्ति ले जाते हैं, आप लोग देखे होंगे क्या बोलते बोलते ले जाते हैं, यही बोलते हैं ना, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोल गत्य है, सब कोई बात झूठा है। किसको सुनाते हैं, जो ऊपर जो लेट लेटा हुआ है, बोले बेटा जीवन में जितने राम कृष्ण का नाम लिया तेरे साथ में वही जा रहा है, इसके सिवाय तुमने जो कुछ संसार में एकत्रित किए हो यहाँ से एक सुई धागा भी तेरे साथ नहीं जा रही। पत्नी जाएगी तो रो रो कर दरवाजा तक जाएगी, उसको आगे नहीं जाएंगे। परिवार वाला जाएंगे तो शमशान तक जाएगी, वहां से आगे नहीं जाने जाएंगे। साथ में जाएगा तो क्या जाएगा, बोले पायो कि मैंने राम रतन धन पायो, जितने प्रभु का नाम क्या वही साथ में जाएगा। इसे किसी संबंध में हमारे प्रभु जी आपके एक छोटी सी कहानी सुनाएंगे, फिर भगवान राम सीता लक्ष्मण आएंगे उसके बाद। हरे कृष्णा अज्ञान से जो कल है भागवत कथा में सबसे बड़े पूजा है, कल श्री गिरिराज गोवर्धन की पूजा है। गिरिराज पूजा कितने महत्व है, स्वयं गिरिराज जी आशीर्वाद दिए, बोले मेरे सेवा में जो एक अन्न की दाना गिरिराज की सेवा में लगा दे, किसी जीवन में घर में अन्न वस्त्र की कभी कमी नहीं रहेगी, उसकी घर में माँ लक्ष्मी भरपूर रहेगी। कितने महिमा है, आप लोग गिरिराज गए हो, कौन कौन गिरिराज गए, सब गए। आप लोग देखना वो गिरिराज शिला को पर शिला रखा हुआ देखे हो, क्यों, बोले जिसको जितने मंजिल मकान चाहिए वो गिरिराज शिला के ऊपर में जितने शिला रख देते हैं ना ठाकुर जी, उतना मंजिल मकान बना देते हैं, इतना मंजिल मकान बना देते हैं। आप देख लेना, आप पेड़ में धागा बना हुआ देखे हो, बोले क्यों, कोई दूध की धार से परिक्रमा करते हैं, और जतिपुरा में देखोगे इतने तो दूध की धार में स्नान करते हैं और नाली में बहते भी जाती है, इतना बड़ा सरोवर में दूध भरा हुआ है। बोले क्यों, बोले जो व्यक्ति गिरिराज की परिक्रमा करते हैं, ठाकुर के पीछे 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 चलते हैं, इतने कष्ट करके मेरी परिक्रमा करना है क्या मांगेगा, इसलिए पीछे पीछे ठाकुर जी घूमते हैं। गिरिराज की इतने महिमा क्यों, विश्व ब्रह्मांड बांके बिहारी की पूजा करता है, लेकिन ये बांके बिहारी किसकी पूजा करते हैं, श्री गिरिराज बाबा। विश्व ब्रह्मांड बांके बिहारी की परिक्रमा करते हैं, लेकिन बांके बिहारी किसको परिक्रमा की, गिरिराज गोवर्धन को। सारा दुनिया ठाकुर को उठा कर रखते हैं, लेकिन ठाकुर किसको उठाए थे 7 दिन तक, ये गिरिराज गोवर्धन को उठाए। इसलिए गुरु जी कहते थे जो व्यक्ति गिरिराज की परिक्रमा, जिनकी कोई काम धंधा नहीं चलती है, जिनका बेटा बेटी की शादी नहीं होती है, कुछ भी संसार की कोई भी काम हो गिरिराज से प्रार्थना करो। इसलिए इनका एक नाम है सर्व अभीष्ट प्रदाता, मतलब जो कुछ गिरिराज से मांगो ना गिरिराज सारी इच्छा को पूरी करते हैं। ब्रज का नियम है कुछ भी मांगे कुछ भी करे सबके सब श्री गिरिराज से मांगते हैं।
कितने प्रत्यक्ष देवता श्री गिरिराज। इसलिए कल आप लोग जो आओगे अपना घर से कुछ कुछ बना करके लाना, जैसे थोड़ी पूरी हो, हलवा हो, कोई चावल कढ़ी हो, जो बढ़िया बनाते हो बगैर प्याज लहसुन के बना करके लाना। कल गिरिराज को भोग लगेगा, वो प्रसाद आप लोग को मिलेगा। इसलिए कोई मिठाई हो, कोई फल हो, खाली हाथ से कभी नहीं आना कल, ठीक है ना? क्योंकि गिरिराज की एक अन्न भोग लगने से तुम्हारी जन्म जन्मांतर की दरिद्रता खत्म हो जाएगा, कभी जीवन में दरिद्रता नहीं आएगी। इतने महिमा गिरिराज की। बोले श्री गिरिराज बाबा की जय हो। और जो परसों है, परसों जो कथा, ये शाम को परसों कथा नहीं होगी, कथा होगी सवेरे, क्योंकि परसों हमारी और कहीं एक रथ यात्रा है, दिल्ली में कहीं रथ यात्रा है, वहाँ जाना पड़ेगा हमको। इसलिए परसों कथा सवेरे 9 से लेकर 12 बजे तक कथा, 12 बजे के बाद में यहाँ यज्ञ होगी, फिर यज्ञ के बाद में फिर यहाँ हवन होगी, हवन के बाद में फिर प्रसाद फिर आप लोग जाना, ठीक है? परसों, और जो परसों जो कथा सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि जो पूरी कथा नहीं सुन पाए 7 दिन तक, कोई आधा में आए, कोई बीच में आए, लेकिन लास्ट का दिन कथा सुनने से वो 7 दिन कथा सुनने का फल मिलता है। और जो 7 दिन का कथा जिसको फल मिल जाएगी, भागवत कल्प वृक्ष जो मांगो वही दे देते हैं। जो कुछ भागवत से मांगोगे गिरिराज सब आपकी इच्छा पूरी कर देंगे, ठीक है? अभी प्रभु जी आपको एक स्टोरी सुनाएंगे, ये स्टोरी को सबके सब सुनना, और ये स्टोरी को बाद में मैं पूछूंगा क्या सुनें, जो बोलेगा मैं इसको इनाम दूंगा, और जो नहीं बोल पाओगे ना उसको मैं बीच में खड़े कर दूंगा, इसलिए ऐसे सुनना। और आज हमारे प्रभु जी ने 2 से 3 बजे तक बच्चों को उन्होंने सेमिनार दिया है। किस विषय पर सेमिनार दिया था? भारतीय संस्कृति और हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता को लेकर आज के समय पे जो लोगों के मन में गलत धारणाएं हैं उसको लेकर भी हमने चर्चा करी थी। आज काफ़ी बच्चे भी आए थे उसके अंदर, तो कल भी हम वही 2 से 3 बजे तक बैठेंगे। जो लोग इच्छुक हैं, जो बहुत थोड़े बड़े बच्चे हों, 8 क्लास और उससे अभाव, उन लोग अपने बच्चों को भेज सकते। हाँ ठीक है, अगर जो चाहते हैं बेटा हमारे राम बने, रावण नहीं, बेटा हमारी राम बने, जो चाहते हो राम जैसे बेटे, सीता जैसे बहू, और नाती पति लव कुश जैसे हो, फिर तो अपना बच्चे को जरूर भेजना। अगर चाहे तो बेटा हमारे रावण बने, फिर तो बच्चे को भेजना नहीं, ठीक है? क्योंकि जब अगर भक्तों का सांतों के साथ में जुड़ोगे ना, बेटा कभी रावण बन ही नहीं सकता है। इसलिए हमारे गुरु जी को किसी ने बोले, बोले गुरु जी बच्चे बात नहीं सुनते हैं। गुरु जी बोले बेटा रामायण पढ़ते हो? बच्चे को कभी रामायण पढ़ाया? बोले नहीं। बोले जो रामायण पढ़ेगा नहीं पढ़ाएगा ना, कहीं दुर्गति तो होगी। कहाँ पर बताया पिता माता को सेवा करो? रामायण कहता है। भगवान राम 14 साल के लिए वनवास गए। कितना साल के लिए? अभी अपना बेटे को बोला 14 दिन के लिए जा बेटा, जाएगा? वो हनीमून मनाने जा सकता है, लेकिन पिता माता की सेवा के लिए नहीं जाएगा। क्यों? हम रामायण पढ़ते नहीं, बच्चों को रामायण नहीं पढ़ाते, सत्संग करते नहीं, बच्चों को भी सत्संग नहीं कराते, इसलिए ये दुर्गति हमारी दुर्गति हो रही है। इसलिए बात को गुरु जी कहा करते थे। इसलिए जो चाहते हो, बच्चे हमें सम्मान करें, सवेरे उठ करके पिता माता की चरण छुए, राम जैसे बेटे हो, फिर तो माताएं कोशिश करना बच्चे को ये सेमिनार में भेजने के लिए। भेजोगे तो जरूर उसका जिंदगी बदलेगा, नहीं तो रावण बनेगा और कुछ नहीं बनने वाले। जो चाहते हो राम बने, वो सेमिनार में भेजना। बोल सभी एक बार दोनों हाथ उठाकर बोलिए, बोलो हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे हरे, राम हरे राम, हरे राम हरे राम, राम राम, हरे 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 हरे। जो लोग बोल नहीं पाए, देखो ये महामंत्र बोलने से किसी का कोई घाटा नहीं होगा, आपको कोई नुकसान होगा तो हम भरपाई करने के लिए यहाँ बैठे हैं। कथा के बाद में आ जाना, हमसे ले जाना। कुछ लाभ होता है तो सब लाभ आपका, घाटा होगा तो हमसे ले जाना। जितना जोर से बोल सकते हैं भगवान का नाम मंगलदायी है, सभी दोनों हाथ उठाकर करिए, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, हरे राम, राम
गुरुदेव जिस विषय पर वर्णन कर रहे थे वो उसी बात पर आकर जो स्टोरी सुनाने के लिए कह रहे हैं वो मैं आपको वर्णन करता हूँ। आज हम दिन में भी चर्चा कर रहे थे कि हमारे भारतीय संस्कृति और हमारे शास्त्रों में जो भक्ति को लेकर उसका महत्व बतलाया गया है, आज की पीढ़ी उस चीज को स्वीकार नहीं करना चाहती। आजकल की जो शिक्षा प्रणाली है उसमें भी इस तरह की शिक्षा हमें नहीं दी जाती कि हम भगवान के भजन को आध्यात्म को प्रधानता दें और उसके साथ साथ में भजन को सबसे लास्ट प्रायोरिटी रखा जाता है। सबसे लास्ट अगर कोई चीज करनी है तो ये भगवान का भजन, मतलब दुनिया के सारे काम करेंगे, हाँ थोड़ा बहुत समय मिल गया तो ठीक है भजन की भगवान की और भी देख लेंगे, हफ्ते में एक बार कहीं मंदिर चले जाएंगे, महीने में कभी एक बार चले जाएंगे, हुआ तो एक बार राधे राधे राम राम बोल लिया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो परवर्ती काल में देखो जिस तरह से कश्मीर को मुसलमानों ने अटैक करके जब्त कर लिया, जिस तरह से कई ऐसे देश हैं जिसके अंदर से हिंदुओं को तार तार कर भगा दिया या उनका धर्मांतरण कर दिया, कोई ऐसा आप कह नहीं सकते कि भारत में ना होगा। क्योंकि आज के समय पर हिंदुओं की ऐसी स्थिति हो गई है, हमारे धर्म के प्रति जो हमारी जागरूकता है बहुत कम होती जा रही है। इसीलिए प्रत्येक जीव को ये भगवत भजन हमारे शास्त्र उनको प्रधानता देते हुए अपने जीवन में अपनाना होगा, तभी जाकर ये स्थिति सुधरेगी। गुरुदेव जिस कथा को बोलने के लिए कह रहे थे, पता है अभी हमारे योगी और मोदी ये ऐसे दो नेता हैं जो हिंदू धर्मों को इतना रक्षा कर रहे हैं। अगर इस बार योगी नहीं होता तो आपको पता चलता ये उत्तर प्रदेश क्या है, लगता है आपको खदेड़ दिया जाता उत्तर प्रदेश से, रह ही नहीं सकते थे आप। विश्वास करते हो आपको, विश्वास करते हैं बात को, खदेड़ दिया जाता है यहाँ से। इसलिए अगर जगना चाहते हो जग जाओ, नहीं तो यहाँ से भी खदेड़ा दिया जाएगा आपको, रह नहीं सकते। इसलिए हम कोशिश करते हैं सभी के हृदय में ये भावना जगे, धर्मों को एक कोड़े में मत रखा करो, धर्मों को मुख्य रूप में रखो, तभी तुम बचे रहोगे, नहीं तो बच नहीं सकते। हम यही कोशिश कर रहे हैं हमारे देश को कैसे बचाया जाए। देखिए एक समय पे एक राजा था, उस राजा की चार रानियां थी, कितनी थी जोर से कहिए, उस राजा की चार रानियां थी और राजा इन चारों रानियों से प्रेम करता था, लेकिन जो सबसे पहली रानी थी उससे सबसे ज्यादा प्रेम करता था। वो रानी से इतना स्नेह करता था, इतनी प्रीति करता था कि वो रानी जो कुछ भी मांगती राजा उसको वो ला लाकर देता था, रानी की सारी ख्वाहिशें पूरी करता था राजा और उससे बड़ा प्रेम भी करता था। और जो राजा की दूसरी रानी थी, ध्यान देकर सुनिएगा एक एक रानी का डिस्क्रिप्शन, मैं बाद में आपसे पूछूंगा। राजा की जो दूसरी रानी थी वो देखने में बड़ी सुंदरी थी। राजा जब भी अपने राज्य में भ्रमण करने के लिए जाता तो उस रानी को वाम पाश में बिठाकर रथ के ऊपर और पूरे राज्य में भ्रमण करता, पूरे राज्य को दिखाता कि देखो मेरी रानी देखने में कितनी सुंदर है, उसको बड़ा सुंदर अलंकारों से सजाकर सुंदर वस्त्र पहनाकर पूरे राज्य में उसे दिखाता। राजा की जो तीसरी रानी थी वो बड़ी मीठी मीठी बातें करती थी, इसीलिए राजा जब भी अपने राज्य के आहार से फ्री होकर महल में आता था तो उस रानी के पास चला जाता, वो बड़ी मीठी मीठी बातें करती थी, राजा उसकी मीठी मीठी बोली सुनकर बड़ा आनंदित होता। राजा की जो चौथी रानी थी, राजा उस चौथी रानी को जब से विवाह करके लाया है तब से उसके प्रति कुछ ध्यान नहीं दिया, उसको पूर्ण रूप में नेग्लेक्ट करके रखा, उसको प्रति ध्यान नहीं दिया, उसकी क्या आवश्यकता है, उसे कुछ चाहिए कि नहीं, अरे अपने पिताजी का घर छोड़कर आई है और राजा के से विवाह हुआ है, लेकिन तब पर भी राजा उसके प्रति ध्यान नहीं देता था। अभी राजा इस तरह से राज्य करते करते उसकी परम आयु शेष हुई, राजा का अंतिम समय आया है, राजा की मृत्यु जब होने वाली थी राजा ने अपनी चारों रानियों को बुलाया और चारों रानियों से प्रश्न करने लगे हैं कि क्या मेरे साथ में चलोगी। सबसे पहली रानी जो राजा की थी, सबसे पहली रानी कौन थी बताइए, जिसे राजा सबसे ज्यादा प्रेम करता था, ध्यान देकर सुनिए, सबसे पहली रानी जिससे राजा ने पूरे जीवन सबसे ज्यादा प्रेम किया उससे प्रश्न करते हैं कि रानी अभी मेरा अंतिम समय आया है, मैंने पूरे जीवन भर तुम्हारी जो डिमांड थी पूरी करी, तुम जो भी इच्छा करती थी मैंने तुम्हें लाला कर दिया, अभी मेरे अंतिम समय पर तुम मेरे साथ चलोगी तो? रानी कहती है मैं तुम्हारे साथ में एक कदम भी नहीं चलूंगी। राजा की ये बात सुनकर तो उसके होश उड़ गए, बोले क्या बोलती है,
मैंने जिसकी पूरे जीवन भर सेवा करी, उसने जो इच्छा करी इच्छा करने के साथ साथ पूरी करी, वो रानी से आज जब मैं अपने साथ जाने के लिए कहता हूँ, ये मेरे साथ जाने को एक कदम भी राजी नहीं। उसका तो माथा खराब हो गया। सोचा और तीन रानियां हैं, दूसरी वाली को बुलाया। दूसरी वाली कौन सी थी? कौन सी थी? जो देखने में बड़ी सुंदर थी, जिसको रथ पर बिठाकर पूरे राज्य में भ्रमण करा था। राजा ने अपनी दूसरी रानी से पूछा कि रानी तुम तो मेरे साथ में चलोगी, तुम इतनी देखने में सुंदर थी, तुम्हारी ख्याति को विस्तार करने के लिए अपने रथ में बिठाकर पूरे राज्य में भ्रमण करा था, मेरे साथ में चलोगी? ये दूसरी रानी कहने लगी, मैं देख रही हूं तुम कब मरोगे और मैं किसी दूसरे से शादी कर लूंगी। जैसे ही राजा ने ये बात सुनी, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। बोले पहली वाली तो कह रही थी एक कदम भी नहीं जाएगी, ये तो कह रही है कि मेरे मरने का इंतजार कर रही है, कब मैं मरूं, कब ये किसी और के साथ भग ले। बोले रानी तू भी किसी काम की नहीं, उसको भी हटा दिया। जो राजा की तीसरी रानी थी, तीसरी रानी कौन सी थी? जो बड़ी मीठी मीठी बातें करती थी। राजा ने उसे भी बुलाया, बोले रानी तुम्हारा क्या मत है, मेरा अंतिम समय आया है, मेरे साथ चलो। रानी कहती है कि राजा मैं तुम्हारे साथ में नहीं चल सकती। बोले मैंने पूरे जीवन भर तुमसे दिल की बात करता था, क्या तुम मेरे साथ नहीं चलोगी? बोले हाँ, अगर इतना इंसिस्ट कर रहे हो, ज्यादा जोर दोगे तो मैं दरवाजे तक चल सकती हूँ, लेकिन उसके आगे तुम्हारे साथ में नहीं जाऊंगी। राजा कहने लगे कि दरवाजे तक चलना भी भला कुछ चलना हुआ, तुम भी किसी काम की नहीं हो, हट जाओ। तीनों रानियां जिससे इतना प्रेम किया, कोई भी साथ में जाने को राजी नहीं हुई। सोचा चौथी रानी उसे भी पूछ लूं, लेकिन मन ही मन विचार कर रहा था कि भैया जिसके प्रति कुछ करो उससे तो पूछ सकते हो। चौथी रानी के प्रति जीवन भर कुछ भी ध्यान नहीं दिया, उसे नेग्लेक्ट करके रखा, महल के किसी कोने में रहती थी, उससे जीवन भर बात भी नहीं करी, कुछ आवश्यकता है कि नहीं उसने विचार नहीं किया। आज अंतिम समय पे सोच रहे हैं पूछूंगी नहीं। फिर सोचा चलो रानी है, ब्याह करके जब लाया हूँ पूछ ही लेता हूँ। चौथी रानी से पूछा कि रानी तुम तो मेरे साथ में चलोगी? वो रानी कहने लगी कि क्या आपको शर्म नहीं आती, आपको लज्जा नहीं लगती, पूरे जीवन भर तो मुझे नेग्लेक्ट करके रखा, आज अंतिम समय जब आया है उस समय पर मुझे साथ चलने किसे लिए कहते हो? और रानी कहने लगी कि देखिए राजा, मैं जब से विवाह करके आपके साथ में आई हूँ, मैंने आपको हृदय से प्रेम किया, आपने पूरे जीवन भर मुझसे कुछ बात नहीं करी, तब पर भी मैंने अपना पतिव्रत धर्म निभाते हुए आपको ही स्नेह किया, मैं आपके साथ में चलने के लिए राजी हूँ। ये बात सुन के राजा अत्यंत हर्षित हुए। बोले जिसको मैंने जीवन भर प्रेम किया, मेरी तीन तीन रानियां, उनमें से कोई भी मेरे साथ में जाने को इच्छुक नहीं, लेकिन जिसको पूर्ण रूप में जीवन में नेग्लेक्ट कर कर रखा, आज वो ही मेरे साथ में जा रहा है, आज वो ही मेरे साथ में जाने को राजी हुई है। अभी ये जो राजा है और उसकी जो चार चार रानियां हैं, अगर विचार करके देखेंगे तो वो राजा और कोई नहीं, वो राजा हम ही हैं। बड़े ध्यान देकर सुनिए इस शिक्षा, इस कथा से जो शिक्षा है उसको अपने जीवन में उतारने की चेष्टा कीजिएगा। जो राजा की चार चार रानियां थी, वो राजा और कोई नहीं, वो राजा हम ही हैं, और हमारी भी चार चार रानियां हैं। सबसे पहली रानी जिससे राजा अत्यंत प्रेम करता था, हमारी भी ऐसी एक रानी है जिससे हम बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। आप बताइए आप जीवन में किससे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं? जो लोग सुन चुके हैं वो रहने दीजिए, बाकी लोग बताइए। हम आज के समय पर सबसे ज्यादा प्रेम किससे करते हैं? अपने अपने तन से सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, माता जी कह रही, क्या सच बात है? क्या हम हमारे शरीर से सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं? माँ कहेगी मैं तो अपने बेटे से प्रेम करती हूँ, एक पति कहेगा मैं अपने पत्नी से प्रेम करता हूँ, सबका अलग अलग मत होगा, लेकिन शास्त्र कहते हैं ये प्रेम नामक वस्तु इस जगत में है ही नहीं। इस जगत में प्रेम नहीं, इस जगत में स्वार्थ ही है। जब तक स्वार्थ की पूर्ति हो रही है, तब तक पति से भी प्रेम है, तब तक बच्चों से भी प्रेम है, तब तक माता पिता से भी प्रेम है, लेकिन जैसे ही स्वार्थ की पूर्ति बंद हो जाए, तब सारा प्रेम धरा का धरा रह जाए, सारे संबंध उसी समय पर खत्म हो जाएंगे। पिता पुत्र पूरे जीवन पर देखा गया बड़ा प्रेम था, लेकिन जब बंटवारा हुआ उस पुत्र के हिस्से में थोड़ा कम पड़ गया, कहां गया प्रेम? पिताजी से इतनी ईर्ष्या करने लगा कि बड़े भाई को आपने ज्यादा संपत्ति दी और मुझे कम दी, कहां गया जीवन भर का प्रेम?
केवल मात्र स्वार्थ है इस जीवन में, इस जड़ जगत में प्रेम नाम की वस्तु नहीं। इसीलिए सबसे ज्यादा प्रेमी, अगर सबसे ज्यादा प्रिय हमारे कुछ है तो हमारे शरीर है। इस शरीर के जो जितना अनुकूल है उसी से उतना प्रेम है। इस शरीर को जो खाने को देता है पति, इस शरीर को जो पहनने को वस्त्र देता है, इस शरीर की जो सारी डिमांड पूरी करता है उससे हमें प्रेम हो जाता है। हम भी इस शरीर से सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। ये पहली रानी जो जो भी डिमांड करती थी राजा वो डिमांड पूरी करता था। ये शरीर भी जब जब कहता है कि चलो आज गोलगप्पे खाने की इच्छा है, बोले चलो तुम्हें गोलगप्पे खिलाएंगे। ये शरीर इच्छा करता है कि उस मॉल में चलो, वहां अच्छे अच्छे वस्त्र मिलते हैं, चलो वहां से नए वस्त्र लेकर आएंगे। ये शरीर कहता है कि चलो जिम हो आए, चलो ब्यूटी पार्लर हो आए, सलून हो आए, बोले हाँ चलो तुम्हें जैसी जैसी इच्छा है वैसी वैसी ही हम कार्य करते हैं। लेकिन जब अंतिम समय आएगा, जब मृत्यु का क्षण उपस्थित होगा, उस समय पर क्या ये शरीर हमारे साथ में जाएगा? विचार करके देखिए, क्या ये शरीर हमारे साथ में जाएगा? ये शरीर यही का यही पड़ा रह जाएगा। जिस प्रकार वो पहली रानी एक कदम भी जाने को राजी नहीं थी, हमारा ये शरीर मृत्यु के पर्याय यही रह जाएगा। सुना होगा ना, जब हंस अकेला उड़ जाएगा, खाली पिंजरा पड़ा रह जाएगा। ये शरीर तो एक पिंजरा है, ये तो यहीं पर रह जाएगा। इसके अंदर का जो तोता है, इसके अंदर का जो पंछी है, जो हंस है, जब वो निकलकर, ये आत्मा रूपी तोता जब ये निकलकर चला जाएगा, इस शरीर का और क्या महत्व है? जलाकर लोग राख कर देंगे। इसीलिए पहली रानी हमारे साथ में नहीं गई। पहली राना जो राजा की थी वो साथ में नहीं गई। दूसरी रानी कौन थी? जो देखने में बड़ी सुंदर थी। हमारे पास भी ऐसी एक रानी है जो देखने में बड़ी सुंदर, बड़ी आकर्षक लगती है। क्या है वो? कहते हैं ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा ये ही है हमारी दूसरी रानी, जिसे हम भी जगह जगह पर दिखाते हैं। कहीं शादी पार्टियों में जाना हो, बड़े सज धज कर जाएंगे, बड़ा सोना चांदी अलंकार धारण करके जाएंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियों में जाएंगे, लोगों को हम भी हमारा धन ऐश्वर्य दिखाते हैं, देखो हम भी कितने रहीस हैं, हमारे पास भी बड़ी धन संपत्ति है। लेकिन जब एक व्यक्ति की मृत्यु होती है, उस समय पर क्या है धन संपत्ति साथ में जाती है? उस रानी ने कहा था कि मैं सोच रही हूँ तुम्हारी कब मृत्यु हो और कब मैं किसी दूसरे के साथ में शादी कर लूंगी। ये धन संपत्ति भी ऐसी ही है, जैसे ही हमारी मृत्यु हुई ठीक उसी समय सारी संपत्ति ट्रांसफर हो जाती है बच्चों के नाम पे। पिता की मृत्यु हुई और संपत्ति ट्रांसफर हुई बच्चों के नाम पे, होता है कि नहीं? क्या साथ में एक फूटी कौड़ी भी जाती है? कुछ भी साथ में नहीं जाती। पूरे जीवन भर हम इस रानी के पीछे पीछे घूमते हैं, इसको सर्वत्र दिखाते हैं, इसको सर्वत्र प्रदर्शित करते हैं, लेकिन हमारे साथ में ही नहीं जाती, झट किसी दूसरे से ब्याह करके भग लेती है। अभी जो तीसरी रानी जिससे राजा अपनी मीठी मीठी बातें करते थे, हृदय की बातें करते थे, ये कौन है? कहते हैं हमारे पुत्र परिवारजन, जिनसे हम हृदय की बातें करते हैं, पूरे जीवन भर जिनके साथ में रहते हैं। पहला नंबर आया पत्नी का। पत्नी से पूछने हैं, बोले साथ में चलोगी? पत्नी कहाँ तक जाती है? अगर पति की मृत्यु हो तो पत्नी दरवाजे से आगे नहीं जाती। परिवार वाले, उनसे पूछा कि तुम तो साथ में जाओगे? परिवार वाले भी साथ में नहीं जाते। बढ़िया आरती सजाएंगे, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, बस ऐसा बोलते बोलते आपको लेकर जाएंगे शमशान घाट तक, वहीं पर घी डाल डाल कर जला के और वापस चले आएंगे। कोई भी साथ में नहीं जाता, ना पहली रानी ये शरीर साथ में जाएगा, ना दूसरी रानी ये धन ऐश्वर्य साथ में जाएगा, ना ही हमारे परिवार के लोग हमारे साथ में जाएंगे। तो साथ में जाएगा कौन? बोले चौथी रानी कौन है? जिसको राजा ने पूर्ण रूप में जीवन में नेग्लेक्ट करके रखा, वो चौथी रानी है ठाकुर का भजन, भगवान का नाम। आज के समय में जिसको हम सबसे कम प्रायोरिटी देते हैं, जिसको हमने पूर्ण रूप में नेग्लेक्ट करके रख रखा है, भगवान का भजन आज के समय पे यदि किसी को करने को कहो तो कहता है हमारे पास में कितने काम है, अरे कहाँ हम हरे कृष्णा करते करते माला लेकर घूमते फिरे तुम्हारे पीछे। नहीं, हमें स्मार्टफोन देखना है, हमें टीवी देखना है, हमें इधर उधर की बातें करने के लिए समय है, लेकिन भगवान का भजन करने के लिए समय नहीं। उसको हमने पूर्ण रूप में नेग्लेक्ट करके रख रखा है। लेकिन अगर अंतिम समय पे कोई वस्तु हमारे साथ में जाएगी
तो ये भगवान का नाम ही जाएगा, भगवान का नाम ही जाएगा। जब ये शरीर छूट जाता है, यहाँ की कुछ भी वस्तु अपने साथ में नहीं लेकर जा सकते। मीराबाई अपने भजन में बड़े सुंदर रूप में सब समझाती है कि ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली। आगे बताइए, भजन तो सबको याद है, लेकिन क्या इसकी अनुभूति है जीवन में? राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। मीराबाई तो कह रही है कि ये राम नाम, ये कृष्ण नाम, ये ही असली धन है, लेकिन कितने लोगों को ये अनुभूति हुई है? हम तो ये संसार के पैसों को कमाने में उसके पीछे ही भाग रहे हैं। ये राम नाम रूपी धन जो है, जो हमारे साथ में सच में जाएगा, क्या इसके लिए कोई भी चेष्टा करता है? हाँ, हमारे गुरु जी कहते थे, अच्छी बात बोलते थे, अगर किसी व्यक्ति को बोलो भजन करने के लिए ना, सारा दुनिया कहता है नहीं, बच्चे के लिए कुछ कमा कर भी जाना है ना, सब बोलते ना हमारे पास में समय का। गुरु जी कहते थे भैया बच्चे के लिए ज्यादा कमा कर मत जाओ। बोले क्यों? बोले वो हो ना हर हाथ तो कमा ही लेगा, अगर नालायक ही बनेगा ना, जितने तुमने पैसा कमा कमा करके जा रहे हो, भगवान के भजन में समय नहीं देते हो, जुआ खेल करके, शराब पी करके, मांस खा करके सब फूंक देगा। गुरु जी कहते थे, इसलिए गुरु जी कहते थे ऐसे धन के कमाओ जो इसी जीवन में आप ही इसकी मालिक बनोगे, अगली जीवन में मालिक आप ही बनोगे। ये ऐसे के धन है, कहते चोर नहीं लेवे, लुटे नहीं जावे, दीन दीन बढ़त सवायो, आज मैंने राम रतन धन पायो। भैया जो साथ में जाए उसके लिए क्यों समय नहीं देते? देखो गुरु जी और एक बात कहते थे, किसी को ध्यान दो, गुरु जी कहते थे जब हमारी शरीर छूट जाएगी, जब शरीर हमारी छूट जाएगी, जितने पैसा हम कमा करके यहाँ पर गए, जितने समय उसके लिए तुमने व्यय किया है, उसके लिए तुम्हारी बेकार समय गया कि नहीं? क्यों? वो तो जीवन में लगा ही नहीं, वो पैसा तो तुम्हारे जीवन में गया नहीं ना, लगा ही ना वो पैसा, पर उसके लिए जितना समय दिया बेकार तुमने समय दिया है। इसलिए गुरु जी कहते थे भैया ऐसे धन को कमाओ, ऐसे पैसा को कमाओ जो जिसका मालिक आप इसी जीवन में बनोगे, और अगली जीवन में आप ही इसको मालिक बनोगे। जिसको पत्नी अगर लुटेगी तो पति नहीं ले सकता है, जिसको पति लुटेगा तो बच्चे नहीं ले सकते हैं, जिसको बच्चे लुटेगा तो पिता नहीं ले सकता है, जिसका मालिक आप ही बनोगे उसका कोई नहीं ले सकता है। वो क्या है? इसलिए मीरा कहती है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, जितने हरि का नाम उसी धन को लुटेंगे वही धन ही हमारे साथ में जाने वाले। ठीक है ना, आप लोगों ने चैतन्य महाप्रभु का नाम सुने होंगे। एक दिन महाप्रभु को भक्तों ने निमंत्रण दिया, प्रभु आज हमारे घर में भोजन है। भगवान एक चीज को शिक्षा देने के लिए बोले देखो सबके घर में मैं भोजन नहीं करता हूँ। बोले प्रभु किसको घर में भोजन करोगे? बोले जो लखपति होगा। आज से 550 साल पहले लखपति कोई साधारण बात नहीं था, लखपति मतलब जिसको घर में 1,00,000 स्वर्ण भोग हो। भक्त तो दुखी हो गए, बोले प्रभु हमारी घर में 100 रुपया भी नहीं, आप तो लाख की बात कर रहे हो, फिर हमारी घर में क्या भोजन नहीं करोगे? अरे भगवान भक्तों को बैठाया समझाया, बोले जानते हो असली लखपति कौन? बोले कौन है? बोले रोजाना जो 1,00,000 ठाकुर जी की नाम जप करते हैं वही असली लखपति, वही असली लखपति है। कुछ दिन पहले अमिताभ बच्चन का नाम सुने ना, कुछ दिन पहले आता था कौन बनेगा करोड़पति, यहाँ भगवान कहते कौन बनेगा लखपति। आप मेरे तरफ में देखो और एक बार, मैं तो पहले समझाया, आप लखपति कैसे बन सकते हो? मेरे तरफ में देख लो, ये माला है, ये माला जब आपके एक एक माला दूंगा, आप ठीक से देख लो, जैसे ये माला जब कहते ना, ये अंगूल को उसमें टच नहीं लगाते, क्यों? ये गद्दा अंगूल सबसे पहले ये निकलता, तेरे को हम देख लेंगे, पहले तो निकलता है ना, इसलिए इसको हम ऐसे निकाल कर रखते हैं। जैसे ये अंगूल ऊपर रख करके मेरे साथ में सबके सब बोलो, बोले हरे कृष्णा बोलो जोर से, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, बोल करके एक मोती सरकता है, फिर दो बार बोल कर दो मोती सरकता है, तीन बार बोल कर तीन मोती सरकती है,
करते करते जब यहाँ खत्म हो जाएगी, याद रखना इसको पार नहीं करना, पार नहीं करके इसे घुमा देना, घुमा करके दूसरे तरफ में। देखो एक लाइन कैसे होता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चार जब एक बार नाम किया 16 बार हो गया, इसमें 108 होती है। अगर इसको 16 राउंड अगर कर लिया तो हिसाब से हो गया 25,000। अगर किसने 64 माला की ना, 1,00,000 भगवान कहते हैं आज तुम्हारे नाम पर बैंक में 1,00,000 रुपया फिक्स डिपोजिट हो गई। बोले भैया ब्याज कितने मिलेगी? मीरा कहती है दीन दीन बड़ा सबायो पायो जी मैंने राम रतना धन पायो। आज अगर 1,00,000 या कल तुमको 1,25,000 और 4 दिन में 2,00,000, 4 दिन में 2,00,000 ये तुम्हारी कापी में ना ऊपर में सब डिपोजिट हो रहा है। इसलिए मीरा कहती है चोर नहीं लगे लूटे नहीं जावे दीन दीन बढ़त सबाए और पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ठीक है ना? इसलिए तो कोई जो कथा को सबसे पहले इधर देखो, ये कथा को सबसे पहले किसने आयोजन किया है? माता जी बजरो कौन आयोजन है? क्या बोले धनंजय प्रभु। क्या नाम है पति का? नाम क्या था बाबा? क्या नाम था? क्या धनवीर। मैंने उनका नाम धनंजय दिया था, अर्जुन का नाम दिया था। ये धनवीर प्रभु ने ये कथा को सबसे पहले उन्होंने आयोजन किया। निकले ताली बजाओ जोर से। आप उनको देखे होंगे आप लोगों ने, वो कभी भी माला को नहीं छोड़ते थे। आप देखे होंगे ये माला कभी नहीं छोड़ते थे। दुनिया छूट जाएगी लेकिन ये माला नहीं छोड़ते थे, दिन भर हरिनाम करते थे। बोले क्यों? वो जानते हैं साथ में यही जाने वाले और कुछ जाने वाले हमारी नहीं, इसलिए माला नहीं छोड़ते थे। इसलिए भक्ति करते करते इनके हृदय में जो भाव जगा है ना, उन्होंने बोले भैया मैं भी धन को लूट रहा हूँ, मैं चाहता हूँ हापुड़ वासियों को भी ये धन मिले, हापुड़ वासियों को ये धन मिले। इसलिए उन्होंने मेरे को बोले बोले महाराज हमारे हापुड़ में भी कथा करो, उनका भी अंदर में इतना जागृत आए, वो भी भगवान की भजन करे। इसलिए उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने ये भागवत कथा को रखवाई और सभी के अंदर में ये प्रेरणा दी है। और ये प्रेरणा देते देते अभी इतने लोग मंदिर में प्रेरणा आई है और यहाँ का भक्तों का हृदय में भी वो भागवत भक्ति का भाव जग गया है। इन्होंने ये भाव को उन्होंने जगवाया है। इसलिए अगर आप भी चाहते हो धनी बनने के लिए नाम को जप करो, हरी नाम को जप कर। इतने खुद माला लेकर करने लग गए, बोले नहीं इसलिए नियम है किसी संतों से ये माला लेनी चाहिए। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं तीनों गुरु भवन थी तरह न कोई जो बिरिन जी शंकर सम हुई। ब्रह्मा शंकर जैसे बन जाओ, अगर जीवन में किसी संतों की शरण नहीं लो ना उधार नहीं हो सकता है। इसलिए आज कुछ लोग आकर के माला लेकर गए और जिनकी इच्छा हुई कि हम भी माला जप करते हैं। देखो हम दो तरह से माला देते हैं, जो प्योर वेजिटेरियन है प्याज लहसुन तक भी नहीं खाते हैं तब हम तुलसी माला देते हैं। गले में ये तुलसी भी कंटिन्यू उसको देते हैं क्योंकि तुलसी साधारण कोई लकड़ी नहीं, ये स्वयं माँ लक्ष्मी की स्वरूप है। इसलिए जब महाराज जमदूत को कहते हैं बोले देखो जो भगवान की भक्ति करते उसको बदलाना। बोले पता कहीं चलेगा कौन भक्ति करता है नहीं करता है? बोले उनकी गले में तुलसी की कंठी होगी, तिलक लगाए होगी। इसलिए एक अच्छे उदाहरण देते हैं, बोले दो तरह के कुत्ते हैं। कितने तरह के कुत्ते हैं? एक पालतू एक फालतू। कैसे पता चलता है ये पालतू और फालतू है? देखना जो पालतू कुत्ते हैं उनके गले में पट्टा बंधा हुआ रहता है, देख लेना। लेकिन जो फालतू कुत्ते हैं ना जो बिना पट्टे के जो रोड रोड में घूमते हैं, आप देख लेना पालतू को तो कोई मारता नहीं और फालतू को कोई छोड़ता नहीं। अगर हमारी गले में तुलसी कट्टी है हम किसके पालतू है? वाक्य बिहारी की पालतू है, ठाकुर जी का पालतू। अगर हमारी गले में कट्टी नहीं तो फिर हम कौन हो गए? आप ही बोलो जोर से। इसलिए हमें फालतू नहीं बननी चाहिए, वाक्य बिहारी की पालतू बननी चाहिए। इसलिए जो प्याज लहसुन छोड़ देते हैं फिर तभी हम गले में कट्टी देते हैं, नहीं तो हम नीम की माला देते हैं
बोले इसमें हरि नाम करते रहो, ठाकुर का नाम करने से धीरे धीरे गंदगी ही चली जाती है, फिर हम तुलसी माला देते हैं। आज कुछ माताएं आई थी, पहले जिनको मैंने नीम की माला दिया था, प्रैक्टिस करती थी, आज ये सबके सब तुलसी माला लेकर गए। इसलिए हम चाहते हैं हर घर घर ठाकुर की गोलक वृंदावन बन जाए। क्या बन जाए? गोलक वृंदावन बन जाए। जिस घर में बच्चे परिवार भक्ति करते हैं वो घर नहीं, वही गोलक वृंदावन, ठीक है ना। अगर चाहते हो घर को गोलक वृंदावन बनाना, कल सवेरे आकर के माला ले, ठीक है, हम एक पास में रुके हैं। अभी भगवान सीताराम को ले आओ, भैया राम लक्ष्मण सीता को ले आओ। बोले शिष्या वर रामचंद्र की, बोले श्री पवन सुत हनुमान की, जय जय श्री राधे। हाँ डॉक्टर साहब सीख दे रहा हूँ, और क्या ना डॉक्टर इंद्रजीत शर्मा और संजय बालाजी और मनोज सही, मनोज सही, तो जिनका नाम लिया वो इधर आ गए, डॉक्टर साहब इधर आ गए। अब इनके लिए ताली बजाओ, ये लोग भागवत में भगत किए, ठाकुर जी को सेवा सुख दे, भक्ति प्रदान करें, ये हमारी बड़ी सेवा करते हैं आजकल प्रभु जी। जिनका नाम लिया वो इधर आ जाओ, और राम लक्ष्मण सीता को ले आओ। बोले श्री सियावर रामचंद्र की, बोले श्री पवन सुत हनुमान की, हरे कृष्ण। हाँ देखो आप लोग रामायण जानते हो, आप लोग रामायण सुने हो। जब श्री दशरथ महाराज के घर में सब कुछ संपत्ति थी, लेकिन दशरथ जी का महाराज घर में एक चीज की कमी थी, घर में कोई संतान नहीं था। इसलिए उन्होंने श्री वशिष्ठ को बुला करके ऋषभ सिंह को द्वारा उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाए, और यज्ञ से चौरु खिला, तो तीन रानी को उन्होंने जब चौरु खिलाए, भगवान स्वयं भगवान जन्म हो, उसी समय में भगवान राम लक्ष्मण, राम लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न ये चार भाई जन्म हुए। सियावर रामचंद्र की नौनी विधि मधुमासी पुनीता, शुक्ल पक्ष अब जिते हरि प्रीता, चारो लीला प्रगट भैया, चारो लीला प्रगट भैया, अवध में लड़ुआ बटे, ओ जी नौ जी
सुर ताली सेवा करते खड़े हुए नाचते देते हैं। ये लक्ष्मण कैसे बल्कि ये डंडा स्वरूप है,
बोले फिर राम कैसे, बोले झंडा स्वरूप है। बोले भैया झंडा उठे उसको बाद में तो झंडा उठेगा ना, लेकिन झंडा तो लक्ष्मण जब तक नहीं उठेगा राम कैसे उठेगा। इतने में श्री जनक महाराज थोड़ी सी उन्होंने ताना छेड़ दिए, बोले लगता है ये पृथ्वी वीर सुन्न हो गया है। जिस धनु को मेरी बेटी जानकी एक हाथ से उठा लेती थी, यहाँ पर इतने बड़े बड़े राजा कोई तस भस नहीं कर सके। इतना सुनत ही लक्ष्मण तक अनंत दे बड़े क्रोधित हो गए। लक्ष्मण खड़े होकर बोले जनक महाराज चुप बैठो, इतने बड़ी बात पृथ्वी वीर सुनने हो गया, पता नहीं मेरे प्रभु राम यहाँ पर बैठे हैं। बचपन में हम ऐसे कितने धनुष को खेलते खेलते हमने तोड़ डाले। मैं तो विश्व ब्रह्मांड को कच्चा गेत के भांति चकनाचूर कर सकता हूँ। जब उन्हें ऐसे बोले भगवान राम बोले लक्ष्मण चुप हो जाओ, क्योंकि यहाँ पर गुरु जी बैठे हैं, अभी गुरु जी का तो आदेश लेते दो। इतने में श्री विश्वामित्र जी बोले राम बेटा जाओ, ये धनुष उठा करके श्री जनक महाराज का हृदय की ताप को दूर करो। अभी भगवान राम सामने जा रहे थे, सामने मैया सीता खड़ी हुई। अभी तो मैया सीता प्राण त्याग करने जा रही थी, बोले क्यों, बोले इतने बड़े धनुष को राम कैसे उठाएगा, कैसे उठाएगा धनुष को, बोले क्यों, इसके मन में शंका कैसे हो गई। जब मैया जानकी सवेरे वो पुष्प चयन करने के लिए गई थी बाग में, वो सवेरे का समय था, मीठी मीठी हवा बह रही थी, भगवान राम पुष्प चयन नहीं कर रहे थे, पुष्प समर्पित हाथ में हो रहा था, लेकिन प्रभु राम इतने कोमल अंग, उसी समय में भी प्रभु की शरीर से पसीना टपक रहा था, इतने कोमल। सीता सोच रही थी अगर राम धनुष को नहीं उठा पाए फिर मेरी क्या होगी। मैया सीता तो प्राण त्याग करने जा रही थी, भगवान राम देखा का वर्षा जब कृषि सुखाई, अरे सीता के लिए तो धनुष उठाना, अगर सीता ही शरीर छोड़ दिया तो धनुष उठाकर क्या होगा। इतने में राम जल्दी जल्दी गए और उन्हें धनुष को उठा करके जब प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए गए, इतने में धनुष दो टुकड़ा हो गया और इतने जोर से आवाज हुई वहां पर, इतने जोर से वहां आवाज हुई, कौन आए थे वहां पर, कहते श्री परशुराम जी वहां पर आ गए। इतने में जनक महाराज प्रसन्न हो गए, बोले जानकी को लेकर के आओ, प्रभु राम को माला पहनाओ। अभी मैया जानकी आ रही है, जानकी कितने बड़ी, बोले प्रभु राम की तथ्य तक ये जानकी है। अभी जानकी मैया गले में माला पहनाना चाहती है लेकिन ऊपर हाथ जा ही नहीं रहा है। इतने में वहां पर सखियां अभी साली लगती हैं, प्रभु राम की कान में बोले राम थोड़ी सी सर को नीचा कर दो ना। बोले क्या, मैं दशरथ महाराज का बेटा हूँ, मैं दशरथ महाराज का बेटा हूँ, अभी तक हम किसके चरण में सर नहीं नवाए, अभी शादी भी नहीं हुई है, बोले सर नवा दो, मैं सर नवाने वाले नहीं। इतने में वहां पर सखियां थी, इतने में लक्ष्मण को कान में चुपकी सी बोली, बोले लक्ष्मण अगर तू एक काम करोगे ना तेरे लिए भी हम काम कर लेंगे। लक्ष्मण बोले बता क्या करोगे, और ये जानकी देखने में जितने सुंदरी, इनकी एक छोटी बहन उर्मिला है वो भी देखने में ऐसे ही है, हमारी काम कर दो उर्मिला से शादी करा देंगे। जब शादी की बात हुई लक्ष्मण बोले भैया कुछ तो करना ही पड़ेगा, फिर शादी की बात आगे ना कुछ करना पड़ेगा। इतने में राम बोले लक्ष्मण तू कुछ कर, बोले प्रभु मैं क्या करूँ, पृथ्वी का दो टुकड़ा है नहीं, एक टुकड़े को ऊपर कर दिया और एक नीचा कर दिया, अगर नीचा हुआ तो दोनों ही नीचे हो जाओ, क्यों, लक्ष्मण पृथ्वी स्वरूप है, बोले तू तो कुछ कर। इतने में लक्ष्मण प्रभु की राम को भाव को समझ करके चरण में प्रणाम किया, अभी उनको उठाना पड़ेगा, प्रणाम कर उठाना पड़ेगा। जब उठाने के लिए गए इतने में सीता मैया ने माला डाल दी, जोर से ताली बजा, बोले सियावर राम चंद्र की जय, और तुम भी माला पहना, बोले सियावर राम चंद्र की जो भी जाइयो ठंड की देख जाओ झुकी जाइयो कनक रघुबीर लली मेरी छोटी झुकी जाइयो Thank you.
साष्टांग नमन प्रणाम कर उनका हेतु कृपा वंश करता हूँ। तत्पश्चात रूपानुभव गुरुवर्ग श्री राधा गोविंद जी, समस्त वैष्णव वैष्णवी, आप सभी श्रोता मंडल, माताएं, सबके चरणों में गंगा जथा जी के दंडो प्रणाम स्वीकार हो। देखिए, हम श्रीमद् भागवत कथा सुनते सुनते आज 5 दिन हो गया है, लेकिन बताओ 5 दिन में कहीं राधा जी का नाम आया? कोई अगर ग्रंथ पढ़ेगा श्रीमद् भागवतम को, देखना उसमें एक भी राधा जी का नाम नहीं। कोई अगर पूछेगा भैया आप तो बोलते हो वृंदावन में जाओ और राधे राधे वो गाओ, तो देखो भगवान कृष्णा आते हैं राधे राधे बोलने से कृष्णा आ जाते हैं, और श्रीमद् भागवतम पूरा कृष्णमय ग्रंथ है, लेकिन यहाँ पे राधा जी का नाम ही नहीं है। तब बताते हैं, देखो इस ग्रंथ का नाम ही क्या है, श्रीमद् भागवतम, श्री यानी राधा रानी, मद यानी प्रेम। ये तो पूरा का पूरा भैया राधा रानी का प्रेम ही है, पूरा का पूरा राधामय ग्रंथ ही है। फिर यहाँ पे टीकाकार प्रश्न कर रहे हैं कि राधा रानी का नाम क्यों नहीं है, तो बता रहे हैं कि मानो हमारे पास कोई सोना चांदी हो, हम क्या बाहर ऐसे जैसे फेंक देंगे? कहाँ रखेंगे? छुपा के, और सबसे अच्छे करके छुपा के तिजोरी में लॉक डाल के पता नहीं क्या क्या करके उसको कहीं कहीं छुपा छुपा के रखे हो कि नहीं? तो बताओ ये राधा रानी, ये अमृत प्रेम, ये जो प्रेम वस्तु है, ये श्रीमद् भागवतम के जो मूल धन है, इसको खुला कैसे प्रकट किया जा सकता है? इसीलिए ये इनको भूत गोस्वामी ने, सुखदेव गोस्वामी ने कहीं कहीं छुपा छुपा के लिए हैं। अब श्री राधा रानी और कई सारी कारण है, लेकिन समय संक्षेप से इसीलिए कथा को श्रवण करते हैं कि जिस समय ये दृश्यवान महाराज, इनके घर में एक बेटा था, बोले सिद्धाम भैया, एक ही बेटा था, लाला था, लेकिन इनके घर में कोई लाली नहीं थे। इनका मन बड़ा सुख तो था, फिर भी असंतोष था। क्यों? क्योंकि घर में कोई बेटी नहीं थी। बताओ देखो, घर में अगर कोई बेटी आती तो क्या बोलते हैं? घर में लक्ष्मी आए। कोई बेटा आए तो बोलता है क्या नारायण आए बोल के? नहीं बोलते। बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। घर में कोई बेटी आए तो बोलते हैं लक्ष्मी आए। इसलिए शास्त्र में बताया गया है कि एक बेटी के दान से, एक बेटी का अगर दान करोगे तो कितना जन्म तक भगवान के धाम में कितना पुण्य है उसका, उसको बहुत पुण्य बताया गया है शास्त्र में। इसलिए देखो, ये दृष्टवान महाराज जी के घर तो एक बेटा था, लेकिन एक बेटी नहीं है। ये सोचते थे भैया कैसे कैसे करके भगवत इच्छा से हमारे घर भी कोई बेटी आ जाए। ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः काल में स्नान करने गए थे और यमुना जी में देखा, जैसे ही अर्घ्य दे रहे हैं तो देखा कि बड़े सुंदर एक कमल के पुष्प है, सतधन कमल के पुष्प के ऊपर एक सुंदर सी एक छोटी सी किशोरी बड़ा दिव्य तेजमय हो रहा है, और बड़े दिव्य सुंदर एक छोटी सी बच्ची वो ठहर रहा है। तो नंद बाबा कृष्णवान महाराज तो देख के बड़े प्रसन्न हो गए, बोले देखा ये कौन है? बोले श्रीमती राधा रानी है। बोले श्रीमती राधा रानी की। तो देखा कि भगवान को मैं प्रार्थना कर ही रहा था कि हमारे घर में तो कोई बेटी है नहीं, अब भगवान के इच्छा से बेटी आ गया, तो इसको प्रेम पूर्वक राधा रानी को घर में ले आते हैं। लेकिन नंद बाबा कि यहाँ कृष्ण आ जाते हैं तो कृष्ण का नंद उत्सव होता है, कल हम श्रवण करेंगे कि प्रकार पूतना मोती आ जाती है, ब्रज में भयंकर भयंकर विपत्ति आता है, कंस भयंकर भयंकर दूत अपने अपने राक्षस को भेजता है, इसलिए ब्रज में अभी डर गए हैं। बेटी तो हो गए हैं कृष्णवान महाराज जी के यहाँ, लेकिन कोई उत्सव नहीं हुआ है। क्यों? क्यों डर के मारे सारे बच्चे को अपने घर में छुपा के रखे हैं। अब जैसे ही नारद जी को पता चला कि कृष्ण तो जन्म हो चुके हैं और ब्रज में घूम रहे हैं, चारों तरफ देखे कि कृष्ण के साथ जो बाल लीला में खेलेंगे अर्जुन, स्तुभ कृष्णा, सुबल, श्रीराम, ये सब लोग जन्म हो चुके हैं, और जितने भी सखीगण ललिता भी सखाई भी आ चुके हैं, लेकिन कृष्ण की जो पराशक्ति है, कृष्ण की जो मूल शक्ति, कृष्ण के जो प्राण प्रिया जो शक्ति रूप, वो भी कहीं ना कहीं जन्म ही होंगे। तो नारद जी एक एक करके सारे ब्रज में घूमने लगे, भैया तुम्हारे घर में कोई लड़की भयो है, भैया तुम्हारे घर में कोई लड़की भय हुए, कोई भी बोल नहीं रहा है, सब डर के मारे बोलते ही नहीं। तब नारद जी घूमते घूमते रावल में गए, रावल जाके ये विश्ववान महाराज जी के घर में बोलते हैं कि महाराज आपके घर में कोई लाली जा रहे हो। विश्ववान महाराज जी तो पहले चुप हो गए,
बोले मेरे घर में तो लाली नहीं, मेरे घर में तो लाला जाए हुए। तो नारद जी बोलते मैं लाला को नहीं पूछ रहा हूँ, आपके घर में ना लाली जाए हुए। तब कृष्णवान महाराज कहते हैं कि हाँ मेरे घर में एक लाली जाए हुए। तब बोलते हैं ले आओ। तो देखते ही कृष्णवान महाराज राधा रानी को लेके आते हैं, तो नारद जी तो देख के प्रेम से गदगद हो जाते हैं, अश्रु मुंह निकलने लगता है और राधा जी को तो पहचान लेते हैं और वहीं से प्रणाम करके स्तुति करते हैं। मुनिन्द्र विन्द वन्दित त्रिलोक शोभनारे प्रसन्न इनके घर में 11 लाख गाय हैं। तब इन्होंने सारे जगह उत्सव करने के लिए एक नाई को भेज दिया। नाई ने जाके सबको बोल दिया, ढिंडरा देख के बोल दिया कि एक लाली जाए हुए विश्वभानु महाराज के यहाँ। सब लोग बधाई देने के लिए आए, नंदगांव से भी सब लोग बधाई देने के लिए आए। नंद बाबा यशोमती मैया और कृष्ण भी साथ में आए बधाई देने के लिए। और सब लोग आए और बोले मैया कृतिदा सुंदरी बधाई हो बधाई हो बधाई हो, वृषभानु महाराज बधाई हो बधाई हो। सब लोग बधाई दे रहे हैं, लेकिन वृषभानु महाराज जी का मन थोड़ा उदास है। बोले क्यों उदास है भाई, लाली तो हो गया, अब क्यों उदास है? कहीं कहीं पुराण में वर्णन आते हैं कि जब से राधा रानी प्रकट हुए थे आँख नहीं खोले थे। उनका इच्छा क्या था कि मैं सबसे पहले देखूँ तो श्याम सुंदर के स्वरूप को ही देखूँ, इसलिए आँख नहीं खोले थे। तब यहाँ पर उत्सव तो हो रहा है लेकिन विश्वानु महाराज थोड़ा उदास है। अब कृष्ण भी आ चुके हैं। जैसे ही कृष्ण और राधा रानी को एक बोलने में मैया यशोदा ने सुला दिया, तब कृष्ण जैसे ही राधा रानी को स्पर्श करते हैं, राधा रानी तो वो तुरंत करके आँख खोल के श्याम सुंदर को देखते हैं। बोले से राधा रानी की जय। और वहाँ पे बड़े बड़े जितने भी नंद बाबा थे, जहाँ विश्वानु महाराज देखे कि लाली अब आँख खोलने लगा, अरे दुगुना उत्सव करने लगे और बड़े बड़े दान देने लगे। और वहाँ पे दीप कीर्तन करते सारे ब्रजवासी उत्सव करने लगते हैं। हम आए, हम भी अभी बधाई सुनेंगे और प्रेमानंदे हरि हरि। अभी राधा रानी को ले आओ, राधा रानी बनाए हम कर ले आओ। राधा रानी की
जो प्रेम है जो गुलाब रंग है। पिछले कल गिरिराज की पूजा है, बताओ कौन सा रंग का वस्त्र पहन कर क्या होगा? नहीं पीला तो हो गया, नीला ठीक है। कल सबके सब नीले वस्त्र पहन के क्या और गिरिराज के लिए कुछ ना कुंड बना कर मिला ठीक है, उसको कुछ बना कर मिलाना गिरिराज। जोरदार ताली बजाओ। हम लोग इनकी घर में रुके हैं, इन्होंने नया घर बनाए और इन्होंने जितने जल्दी से जल्दी इन्होंने कोशिश की, संतों लोग आएंगे और हमारे घर में रुके हैं, इसलिए इन्होंने बड़े जल्दी से जल्दी बड़े जल्दी जल्दी घर को कंप्लीट किया और पूरा का पूरा घर हम लोगों के लिए बना के दिया। इतना नहीं बल्कि यहाँ पर एसी भी लगनी चाहिए, इसलिए जल्दी जल्दी उन्होंने एसी लगाई। आने के दो बेटे बहू ये दोनों तीन रात हमारी सेवा में तीन वर्ष लगे हुए हैं। बाबा लोगों को प्यार चाहिए, क्या चाहिए, साधु के उनको भक्ति दे प्रेम दे और ये जीवन में कुछ खुशी दे रहे हैं। आइए आइए नारी आइए Oh,